दोस्तों, एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर आपने स्टील के क्रैश बैरियर्स तो देखे होंगे, लेकिन एनएचएआई समय समय पर इन क्रैश बैरियर्स के डिजाइन में कई इनोवेशंस करता रहता है, जिसके चलते अब एनएचएआई के द्वारा दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बेम्बू क्रैश बैरियर को इंस्टॉल किया गया है, जो एनएचएआई और भारत के लिए इनोवेशन के फील्ड में एक बड़ा अचीवमेंट है। इस इनोवेटिव बेम्बू से बने क्रैश बैरियर को महाराष्ट्र में वानी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इन बैरियर्स को बनाने में बेम्बू की बाम्बूसा बाल स्पीसीज का इस्तेमाल हुआ है, जिसे क्रियोसोट ऑयल से ट्रीट करने के बाद इस पर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की कोटिंग की गई है। इन बैरियर्स की स्ट्रेंथ और रेटिंग की बात करें तो नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स यानी नेट्रेक्स जैसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कड़ी टेस्टिंग के बाद इन बेम्बू क्रैश बैरियर्स को बाहुबली नाम दिया गया है, और सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किए गए फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है। बेम्बू क्रैश बैरियर्स स्टील बैरियर्स की तुलना में काफी सस्ते और इफेक्टिव होंगे, और रिसाइकलिंग वैल्यू की बात करें तो स्टील बैरियर्स जहां 30-50% तक रिसाइकलेबल है, तो वहीं बेम्बू से बने बैरियर्स को 50-70% तक रिसाइकल किया जा सकता है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इंडियन रेलवे भी ट्रैक्स की फेंसिंग के लिए कई डिजाइन पर विचार कर रही है, जहां इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव बैरियर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील बैरियर्स की तुलना में बेम्बू बैरियर्स एक इफेक्टिव अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ साथ भारत में बेम्बू सेक्टर को भी बूस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पे आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।